हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। एज वी वर सॉल्विंग लाइंस एंड एंगल्स फ्रॉम क्लास 9th, चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड चैप्टर 8 फ्रॉम आर डी शर्मा। ओके, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बच्चों थोड़ी सी थ्योरी और थोड़े से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। आर डी शर्मा की मैंने 8.1 एंड 8.2 एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज आपको कम्प्लीट करवा ली है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी एंड क्वेश्चंस बोथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, सम एंगल रिलेशन है ना, सम एंगल रिलेशंस। तो उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट आपको बताया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं बच्चों, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बनते हैं, जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। सम 180 डिग्री, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। इसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, ये मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। और क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री सम है ना। और क्या बताया मैंने, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप क्या करो, लाइंस एंड एंगल 01 02 03 04 मैथ दिमाग वाला आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। ओके चैंपियंस, आज मैं यहाँ पे कुछ और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशंस बताने वाला हूँ, जो कि आप पढ़ चुके हैं स्कूल्स वगैरह में। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको दो लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसी है और एक ऐसी है। ये दोनों कैसी है, स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन्स, अब इसमें क्या करूं, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो स्ट्रेट लाइन को एक लाइन क्या करती हो, इंटरसेक्ट करते हुए जाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, क्लियर। अब यहां पर एंगल्स बनेंगे, यहां पर बनेगा एंगल 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 एंड ये बनेगा 4। वैसे यहाँ पे ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 8। टोटल कितने एंगल्स बने, 8 एंगल्स बने, क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताना है, रिलेशंस बताना है कि एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट क्या आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम पेयर बता दे देंगे कि कौन कौन से पेयर है ना, तो कौन कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है बच्चों, जो सेम साइड और सेम प्लेस एक जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। सेम साइड और सेम प्लेस पे अगर कोई एंगल्स बनते हैं तो उन एंगल्स के पेयर को, पेयर को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो सेम साइड बन रहे हैं, सेम प्लेस पे बन रहे हैं, ठीक है। वैसे एंगल 4 एंड एंगल 8 या एंगल 2 एंड एंगल 6 पेयर बनाना है हमको, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, तो टोटल कितने पेयर्स बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, 4 पेयर्स बने, क्लियर है। सेम साइड और सेम प्लेस पे अगर कोई एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या आता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब कि अगर मैं क्या करूं, जैसे यहां पे चार एंगल बन रहे हैं, अगर मैं क्या करूं, एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूं, तो उस वर्टिकल लाइन में जो एंगल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे कि यहाँ पे देखो वन एंड कौन कौन बनेगा थ्री, एंगल वन एंड थ्री, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके देखो है ना, तो इस लाइन पे कौन कौन सा एंगल आ रहा है, वन एंड थ्री आ रहा है, फोर या टू आ रहा है क्या, हम ऐसा बोलेंगे क्या वन एंड टू जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, नो आई कांट से, वी कांट से, ठीक है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब जो एक दूसरे से क्या करते हो 90 डिग्री पे फॉर्म होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे क्या होते हो ऑपोजिट होते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल वन एंड थ्री हो गए, वैसे ही आपको क्या मिलेगा एंगल टू एंड एंगल फोर मिलेगा, और क्या मिलेगा एंगल फाइव एंड एंगल सेवन, और एंगल सिक्स एंड एंगल एट, एंगल सिक्स एंड एंगल एट, तो ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। क्लियर है, कितने पेयर बने, चार पेयर बने, ठीक। थर्ड, इसमें लीनियर पेयर हम लगा सकते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो कि आप ध्यान से, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो टू और थ्री आजू बाजू वाले एंगल है ना, या फिर आप उसको एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो एडजस्टेड एंगल्स, ये बताया था मैं आपको है ना, एडजस्टेड एंगल्स यहां पे बताया था लास्ट क्लास में, एडजस्टेड एंगल्स किसको बोलते हैं, एडजस्टेड एंगल्स आजू बाजू वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल लाइन में जब देखेंगे तो आजू बाजू वाले एंगल क्या बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं मतलब वो लीनियर पेयर भी हो गए ट्रांसवर्सल के केस में, अदरवाइज आजू बाजू वाले एंगल जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल के केस में भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर में बना रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एंगल टू एंड एंगल थ्री, ठीक है, हाँ, तो कौन कौन से हो गए एंगल टू एंड एंगल थ्री हो गए, और एंगल वन एंड एंगल फोर, ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं और एक दूसरे के एडजस्टेड एंगल भी हैं, ठीक है, वैसे ही एंगल वन एंड एंगल टू भी होगा, ये भी तो दोनों बना रहे, फोर एंड थ्री भी होगा, और क्या होगा फाइव एंड सिक्स होगा, और एट एंड सेवन होगा, और सिक्स एंड सेवन होगा, सिक्स एंड सेवन, और फाइव एंड एट भी होगा, फाइव एंड एट, तो टोटल कितने बने लीनियर पेयर या फिर एडजस्टेड एंगल्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, एट पेयर्स बन रहे हैं एडजस्टेड एंगल्स के, ठीक है। फोर्थ आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर मतलब क्या है कि दो, जब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उसको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे है ना, जैसे कि फोर थ्री और फाइव सिक्स, ये चार ही हैं सिर्फ जो क्या कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो इसमें आपको बोला है कि अल्टरनेट बताना है, तो अल्टरनेट मतलब ये और ये अल्टरनेट है ना, मतलब अपोजिट बोल सकते हो आप ना, अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे फोर एंड सिक्स, ये अल्टरनेट क्या हुए इंटीरियर एंगल हुए, अब ऐसी अल्टरनेट इंटीरियर पेयर कितना हुआ, क्या क्या हुआ एंगल थ्री एंड एंगल फाइव, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव, ठीक है, वैसे ही आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो क्या होता है एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर की तरफ बनने वाले एंगल, तो कौन कौन से वन टू एंड सेवन एंड एट, ये चार एंगल है, तो आपको अल्टरनेट बोला तो वन किसका अल्टरनेट है सेवन का, तो एंगल वन एंड एंगल सेवन, टू किसका अल्टरनेट है एंगल एट का, तो एंगल टू एंड एंगल एट, समझ में आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कितने पेयर है दो पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर के कितने पेयर है दो पेयर, क्लियर है, ओके। और क्या बच गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, एक लास्ट बचता है आपका
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स किसको किसको बोलेंगे, देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, देखो ये लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं तो कौन कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। अब एंगल 4 और 6 ले रहे थे तो वो तो अल्टरनेट हो गया था इंटीरियर में, ट्रांसवर्सल मतलब इंटीरियर एंगल को ही हम ट्रांसवर्सल एंगल बोलेंगे, है ना, पर अगर अल्टरनेट बोलेगा तो 4 और 6 होगा और सेम साइड बोलेगा तो 3 एंड 6 होगा, वैसे ही आपका कौन सा होगा, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स के क्या है, रिलेशंस हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम साइड या सेम फेस पे सेम प्लेस पे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब जो 90 डिग्री या एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं एंगल उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो पता ही है हमको, जो 180 डिग्री में फॉर्म करते हैं, और एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब दो लाइन के बीच के जो एंगल्स है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट बोलेगा तो अल्टरनेट, और सेम साइड बोलेगा तो सेम वाले एंगल, क्लियर है। वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर की तरफ जो बन रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, जब एक क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 4 जो है इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है, एंगल 3 जो है इक्वल होगा एंगल 5 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप बेसिक यहाँ पे थ्योरी याद रखो कि अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल जब दो लाइन पैरेलल हो, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तब एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन सा है, एंगल 3 और एंगल 6 है ना, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्लियर है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स के लिए। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे कि 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो है थ्योरी आपको क्या करना है, दो स्ट्रेट पैरेलल लाइन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही है, ठीक है, वो दो पैरेलल हो या ना हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर है, समझ में आया। वर्टिकली ऑपोजिट जो है एंगल्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होंगे, दो लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, ये हमको याद रखना है। बाकी सारी चीजें किसके लिए अप्लाई होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल लाइंस के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये हमारी थ्योरी एंड हुई, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 8.2 तक हो गया था हमारा, अब 8.3 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट वरी बच्चों, आरडी शर्मा की जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे हम क्या ऐसे स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फिर, तो आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब चाहो तो प्रैक्टिस भी करते रहो, एनसीईआरटी सॉल्व करते रहो, कोई डाउट होता है तो आप हमको शेयर करो, है ना। ऐसे आरडी शर्मा क्वेश्चंस करवाऊंगा तो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल सारे बुक के आपको क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बुक का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 वी हैव टू स्टार्ट, सो आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी चैंपियंस, रेडी रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, ओके। In figure, lines L1 and L2 intersect at O.
क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें फिगर दिया हुआ है कि लाइन ये L1 और ये L2 जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पॉइंट पे, ठीक है। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये एंगल्स बना रहे हैं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है और नीचे वाला एंगल u है, ये वाला एंगल हमारा u है। आपको x की वैल्यू दे दिया है कितनी, 45 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीनों की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, बन जाएगा। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। ओके, बन गया, बहुत सारे बच्चों से बन गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले x और y। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, तो x जो है और z जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लो तो एक दूसरे की क्या है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, सॉरी, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखो x इज इक्वल टू z, ऐसे लिखो सॉरी, z इज इक्वल टू x बाय यहां पे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट में मेंशन, रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि z जो है वो x के इक्वल क्यों हुआ। तो आप ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझ में आया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में VOA भी लिखते हैं। तो अभी हमारा स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको पूरा लिख दिखा रहा हूं। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 45 डिग्री है तो z की वैल्यू भी कितनी हो गई, 45 डिग्री, z की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, आपको x और y क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल दिख रहा है जिसको हम लीनियर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपको ये रीजन देना ब्रैकेट में बहुत कंपलसरी है, विदाउट इसके आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू है कितनी, 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 45 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 45 माइनस हो जाएगा उधर आके तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 135 डिग्री आ गया। y की वैल्यू आ गई, अब क्या है, u इज इक्वल टू y, दोनों क्या थे, कैसे दिख रहे हैं, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय VOA, है ना। तो u की वैल्यू देयरफॉर कितनी हो जाएगी, 135 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बन जाएगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या करना है, आपको किसी में भी इक्वल करना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 3 को प्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तीन लाइन है, एक क्या हो रहा है ऐसे ए बी, एक ऐसे सी डी और एक ऐसे, तीनों ही एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया ए बी, है ना, इसके बाद ये है हमारा सी डी, इसके बाद ये है हमारा ई एफ, ठीक है, तीनों ही एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इसको एक्स ले लूं, इसको वाई ले लूं, लिया नहीं है, लेना हमको भी लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम में, है ना, और ये जेड दिया हुआ है और ये वाला एंगल यू दिया हुआ है, ये यू है बच्चों, ठीक है, और ये वाला एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 50 डिग्री, और ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, बहुत ही मुश्किल हो जाता है समझना। तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए,
बहुत प्रैक्टिस, मतलब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिक्स वर्टिकली ऑपोजिट समझ में आते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख के बताइए कि कौन से एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा करो आप। सबसे पहले यहाँ पे तीन लाइन है, तो आप क्या करो इनमें से कोई भी दो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट पकड़ो। जैसे कि मैं क्या करूँ, सी डी और ई एफ पकड़ता हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल की क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है ना। तो आप देखोगे ये और ये लाइन, तो ये वाई और 50 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री बाय वी ओ ए। वैसे अगर आप देखो तो यहां पे सी डी और ए बी दो इंटरसेक्शन लाइन, हमेशा दो इंटरसेक्शन लाइन को आप क्या करना, अलग से ड्रॉ कर लेना और उसमें वर्टिकली ऑपोजिट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये वाला देखो 90 डिग्री बोल रहे हैं और ये वाला एंगल क्या बोल रहा है, जेड। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे ले रहे हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वी ओ ए, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, है ना। एक्स वाई जेड एंड यू चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके किसकी वैल्यू आ गई, y और z की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू है 50 डिग्री और z की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर हमको x की वैल्यू आ जाए तो u उसके क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पे देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये हमारा AB, ये हमारा ED, EF। तो ये जो u है ये यहाँ पे एस है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हमेशा दो इंटरसेक्शन लाइन को आप क्या करो, ड्रॉ करो अलग से और आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ये इजी हो गया बच्चों। तो हमको एक्स, अगर एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो यू की वैल्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से सेम हो जाएगी, और अगर यू की वैल्यू आ जाती है तो एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो किसी एक को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ओ है, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, है ना। इन अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ये देखो, तो इसका स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर बोल सकते हो आप। मैंने यहाँ पे इन स्ट्रेट लाइन ए भी लिख दिया, तो इनफ है, आपको बगल में यहाँ पे लीनियर पेयर लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। या तो यहाँ पे आप लिखो बाय लीनियर पेयर लिखो, या तो आप यहाँ पे लिखो इन स्ट्रेट लाइन ए भी। तो अब ए ओ सी की वैल्यू तो है जेड, बी ओ सी की जो है वो दो एंगल में बटा हुआ है, एक वाई और दूसरा x में, तो y प्लस x लिख सकता हूं वहां पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी किसकी वैल्यू पता है हमको, z की वैल्यू पता है कितनी, 90 डिग्री। y की वैल्यू पता है कितनी, 50 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, 90 प्लस 50 कितना होता है, 140 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर u इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री बाय वी ओ ए, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं यू के लिए, एक बार हमने एक्स के लिए सॉल्व कर लिया तो हमको यू की वैल्यू भी मिल गई बाय वी ओ ए से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी भी लग रहा होगा, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये तो इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे आप सॉल्व कर लोगे, छोड़ दो आपके भरोसे, ये एक्स ये वाई ये जेड और नीचे है 25 डिग्री। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो।
ठीक है, और अगर नहीं बनता है, आपको लगा गलत है, तो आप चेक करो, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन नंबर वन के जैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखेंगे कि एंगल वाई जो है, वाई की वैल्यू है 25 डिग्री बाय VOA, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपका, अब क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दोगे, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक। अब y की वैल्यू है 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मतलब 155 डिग्री हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई, 155 डिग्री। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बाय VOA से इक्वल हो जाएगा x के, तो z इज इक्वल टू ऑल्सो 155 डिग्री। समझ में आया बच्चों, इजी था, ओके आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या करते जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम आती जाएगी वर्टिकली ऑपोजिट समझने में। तो आप वर्टिकल ऑपोजिट के लिए मैंने आपको एक फंडा बता दिया, आप क्या करो, दो इंटरसेक्शन लाइन को, जैसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ की हुई है, इसी में हमको कंफ्यूजन होता है कि वर्टिकल ऑपोजिट किसको ले, है ना। तो आप क्या करो, दो दो इंटरसेक्शन लाइन को आप क्या करो, अलग अलग से ड्रॉ करके देख लो साइड में, ठीक है, आपको कौन कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज सेम क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिगर देखते हैं कैसा है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसा कुछ फिगर है, ये ए, ये ओ, ये बी, ठीक है, उसके बाद ये ई, ये एफ, यहां से एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि क्या है, सी एन डी, ठीक। अब ये जो एंगल है वो बना रहा है कितना, 3x, ये एंगल जो है वो बना रहा है कितना, 5x, और ये वाला एंगल जो है वो बना रहा है कितना, 2x, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट समझने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो ये जो है कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स जो हैं, चारों एंगल्स क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब ये जो 5x है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, है ना, 90 डिग्री के इक्वल है, तो 90 डिग्री के इक्वल है। या फिर आप क्या करो, ये दो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, ये देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा 5x है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री, तो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय VOA भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे कर लो, या फिर चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री इक्वल दिख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 बाय 5, x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड हो गया, होगा 5 1 5 और 5 8 40, तो कितना आ गया, 18 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, कितना इजी क्वेश्चन था, हमको सिर्फ x की वैल्यू पूछा था, इनकी वैल्यू पूछा होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैसे, कि ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 3x, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3x, 2x, है ना, अगर पूरा है 90 डिग्री तो ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3x। तो अब आप देखो 90 माइनस 3x और 2x जो है एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, 3x और 90 माइनस 2x भी एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, तो आप क्या करो, या तो इसको इक्वल ले लो, या तो इसको ले लो और इक्वल लेके सॉल्व कर लो,
ये ज्यादा इजी लगा छोड़ दें, हम छोड़ देते हैं। चलो आपको जो इजी लगेगा हम वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो लाइन में आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ऐसे ही डराने के लिए रहते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पर रहते बहुत इजी है। अच्छा अब प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया है। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। दो बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी दो हम क्या करते हैं लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, किस वर्टिकली अपोजिट है। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो आप क्या करो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, या तो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी, ये ले लेता हूँ सी डी और ये ले लेता हूँ ई एफ, ठीक है। कौन सा ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, इस वाले एंगल का। मतलब ये जो लाइन है इस वाले एंगल की बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल वन है तो ये भी एंगल वन होगा, ये एंगल टू है तो ये भी एंगल टू होगा, दोनों इक्वल होंगे, है ना। बाइसेक्टर मतलब वही होता है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर एंगल्स है वो क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन में है, मतलब उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है प्रूफ करें, चलो तो हम प्रूफ करते हैं। तो एंगल हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। सेम स्ट्रेट लाइन में मतलब उनका एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। उनके एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं, एंगल ई ओ सी प्लस, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिखो, एंगल वन लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक। एंगल वन प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे होगा, बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। अब क्या करूं, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन, एंगल वन प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बना रहे हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन टू ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो हम क्या करें, अब एक किसी एक जगह हम क्या करते हैं, सी ओ बी लिख देते हैं, या फिर ठीक है। तो एंगल टू में मैं क्या कर देता हूं, एंगल टू में मैं यहां पे पुट कर देता हूं कितना, सॉरी इक्वेशन टू में मैं एओडी की जगह सीओ बी लिख देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंगल वन प्लस एंगल एओडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीओ बी लिख सकते हैं, प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अब आप क्या करो, वन प्लस थ्री, इक्वेशन वन और थ्री को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, टू ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एंगल वन प्लस एंगल टू हमने ये प्रूफ किया था इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्चुअल में हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल वन एंड एंगल टू इन द सेम स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, टू सब का कॉमन ले लेता हूं, तो मैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल सी ओ बी
ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिला 360 डिग्री। तो टू को ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू क्या मिला 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या है, एंगल ई ओ एफ जो है इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। इसमें इसका मतलब क्या है कि एंगल वन जो है एंगल टू जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना था कि उसके बाइसेक्टर्स जो है वो क्या है सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो हाँ सेम स्ट्रेट लाइन में है, वो 180 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर है बच्चों, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ नहीं करना था, हमको क्या प्रूफ करना था एक स्ट्रेट लाइन में है वो, ये चीज प्रूफ करनी थी। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।